सो गाइस अगेन आई एम बैक विद ज्योति। तो ज्योति जो हीरोइन के बारे में बातें कर रही थी, मैं पब्लिक को भी रिवील कर दूं, उस हीरोइन का नाम है तृप्ति दिमरी। सो तृप्ति दिमरी को पहचानती है? हाँ, एनिमल से काफी हिट हुई थी। सो अभी तृप्ति ने भूल भुलैया में कियारा को रिप्लेस कर दिया है। अच्छा, फिर धड़क में सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ वो आ गई, कल टीजर आउट हुआ है। फिर वही फिल्म आई राज शांडिलिया की, वो वाला वीडियो विद राजकुमार राव, अगेन शी हैज एक्टेड इन दैट। और अभी बैक टू बैक और बड़ी से बड़ी फिल्म है। सो ऐसा कैसे है? देखो, जो इसके पीछे एक रीजन ये है, जहां तक मुझे उड़ती उड़ती खबर आई है जी, सब जानते हैं कि दिव्या खोसला का डिवोर्स हो रहा है। यस, तो मुझे पता नहीं, मैं भी श्योर नहीं हूँ। तो हो सकता है कि शी कैन बी अ रीजन फॉर इट, आई डोंट नो, बिकॉज मैं श्योर नहीं हूँ, सॉरी। बट हाँ, ये एक रीजन हो सकता है। और उनके जैसे तुमने बताया पिक्चरों में बैक टू बैक शी इज गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, तो मे बी बिकॉज ऑफ भूषण सर, सारी की सारी फिल्में टी सीरीज, इसलिए शायद। और अभी लेटेस्ट मैंने एक नोरा फतेही का इंटरव्यू भी देखा था, जहाँ पे नोरा ने कहा था, मतलब मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं, बट नोरा ने कहा था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग प्यार की वजह से शादी नहीं करते, पैसे की वजह से करते हैं, कुछ करते हैं। सो मे बी नोरा इसकी तरफ इशारा कर रही है, हो सकता है, पॉसिबली। और इसी ये भी एक रीजन हो सकता है कि शी इज गेटिंग बैक टू बैक मूवीज, और जैसे गहना ने कहा सारे अच्छे एक्ट्रेसेस को रिप्लेस हो कर रही है। कियारा आडवाणी रिप्लेस हो गई यार, जबकि भूलभुलैया 2 में देखते शी वाज लुकिंग वेरी प्रिटी। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे कि बहुत सारी फिल्में बनती है ना, एंड हर बार ये नेपोटिज्म का टॉपिक आ जाता है, हर बार, मतलब कहीं भी आप जाओ नेपोटिज्म आ जाता है, तो इस नेपोटिज्म पे आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही अच्छी एक मूवी अभी रिलीज हुई रिसेंट में, हीरा मंडी, तो उसमें आई फॉरगॉट हर नेम, आलम जे, जो इनकी भांजी है संजय लीला भंसाली की, कैरेक्टर का नेम है आलम जे, हाँ उसका रियल नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। बहुत सारे लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, एंड ये फैक्ट है, जैसे नेपोटिज्म की बात कर रही है ना उनके ना, सच में मैंने भी कुछ एपिसोड्स देखे, कुछ सीन्स देखे, वह शी डजंट हैव एक्सप्रेशन एट ऑल, एंड उन्होंने खुद से बोला हुआ है कुछ इंटरव्यूज में कि उनके खुद के एक्सप्रेशंस नहीं आते हैं। एंड हीरा मंडी सच अ बिग अच्छी बजट की मूवी है, काफी अच्छे कास्ट एक्चुअल सेट लगा, 6 महीने सेट बना है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ छोटी सी ये नेपोटिज्म की वजह से उन्होंने उसको कास्ट किया होगा, मे बी फैमिली से रिलेटेड है, बट उसकी वजह से मूवी में लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं मूवी को। तो नेपोटिज्म तो है ही, क्योंकि काफी सारे अच्छे एक्टर्स हैं उसमें, मनीषा जी हैं, सोनाक्षी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो बट इसकी वजह से थोड़ी सी मूवी को ट्रोल करने लगे लोग, बिकॉज नेपोटिज्म यही होता है कि आपको उनको एक्टिंग आ रही नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, काम मिल जाएगा। तो ये तो है, नेपोटिज्म तो है इंडस्ट्री में। हाँ, और एक बात सोचो यार, बिग डायरेक्टर लाइक संजय लीला भंसाली, देवदास से लेके सारी बड़ी फिल्म है, बहुत सारी है ना, हम भी ले चुके सना, बहुत सारी ब्लैक उठा लो, गंगूबाई काठियावाड़, जो भी आई थी, क्या काम किया यार उसने, क्या कमाल की फिल्म। एंड इतने बड़े डायरेक्टर अगर नेपोटिज्म को सपोर्ट करते हैं, कितना अजीब सा फील होता है, एंड वो सबको दिखाई देता है। बिल्कुल, मैंने भी देखा, इसलिए मैं इनका नाम नहीं, बिकॉज सच में शी डजंट नो एक्टिंग, और उन्होंने खुद से बोला हुआ है कि मैंने बहुत जगह ऑडिशंस दिए हैं एंड शी गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन, डायलॉग्स बोल रही है। और आजकल तो आई डोंट नो, मैं तो बहुत ज्यादा प्लास्टिक चीजों में बिलीव नहीं करती, बट आई फील कि फिलर्स वगैरह करा रखे लिप पे, तो मे बी उसको वो डायलॉग की वजह से एक्सप्रेशन के में प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसा मुझे लगा पर्सनली। आदिति ने करा रखा, हाँ, सबने सब ठीक है, सोनाक्षी ने करवा रखा, आधी दुनिया तो फिलर्स के दम पे चल रही है, लेकिन एटलीस्ट उसने 10% परफॉर्म किया होता ना तो भी अच्छा लगता है ना। जैसे ऋचा चड्ढा ने कहा कि जब वो डांस स्टेप कर रही थी तो संजय सर ने कहा था 99 टाइम्स उसको रीटेक देने पड़े, तो जब आलम जेब जब वो एक्टिंग वो कर रही थी तब रीटेक क्यों नहीं हुए, सही बात है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। और क्या होता है, नेपोटिज्म ठीक है, चलो टिल वन एक्सटेंड इट इज फाइन, बट मेन प्रोटैगनिस्ट आपने उसको बना दिया, इतने डिजर्विंग कैंडिडेट भी तो नहीं थे। अच्छा मुझे एक बात बताओ ज्योति,
लाइक यू कीप सीइंग अभी इंडस्ट्री ग्रेजुअली चेंज होते जा रही है. आज के डेट में बहुत काम है लोगों के पास में, बहुत सारे टीवी चैनल शुरू हो गए, बहुत सारे वेब प्लेटफॉर्म है. तो कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी शो की डेट दे दी और कोई दूसरा शो आपके पास आया, आपको मना करना पड़ा, घर पे बैठी है, ऐसा कभी होता है क्या? यार ये तो मैं बहुत फेस करती हूँ, ये बहुत गंदी बात है एक्चुअली. मैं सही बताऊँ तो क्या होता है, जब हम अग्रीमेंट साइन करते हैं तो कभी कभी उन लोगों को लगता है उन्होंने हमको खरीद लिया. आपसे वो 10 दिन काम कराएंगे महीने में, कभी कभी ऐसा होता है कि 5 दिन काम करा रहे हैं. क्योंकि जब एक सीरियल होता है तो उसमें काफी अलग अलग फैमिलीज के ट्रैक चलते होते हैं. बट आप अग्रीमेंट में 25 दिन लिखवा के 5 दिन काम करा तो 20 दिन घर में बैठे हो, क्योंकि खर्चे तो आपके भी है. और शोज के जैसे बता रहे हो, इस बीच में अगर आपको 20 दिन के काम के लिए दूसरा शो मिल भी रहे, नहीं नहीं आप नहीं ले सकते, तो वो लोग आपको तुरंत रिप्लेस कर देते हैं. और ये चीज है, या तो फिर बोलेंगे नहीं आप वो शो छोड़ दो या ये शो छोड़ दो. कोई एक शो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आप एट ए टाइम में 2 शो नहीं कर सकते अंटिल यू आर एबल टू मैनेज. एक तो मुंबई में ट्रैवल करके एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाना बहुत टफ है, फिर हर जगह का लुक अलग अलग होता है, तो उसके लिए रेडी होने में टाइम लगता है, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है. फिर मैं तो कुछ 4-4 महीने 5-5 महीने पेपर साइन करके घर में बैठी हूँ. कैसे क्या हो, मुझे इंसिडेंट प्लीज शेयर करिए. मतलब कास्टिंग लॉक हो जाती हो गई थी मेरी एक बार फरवरी मार्च में. अग्रीमेंट साइन होता है नेक्स्ट मंथ, उसके बाद प्री शूट होने के वजह से 3-4 महीने प्री शूट की वजह से वेट करना पड़ता है, जिसमें बहुत बार चीजें रिजेक्ट होती है छोटी छोटी चीजों की वजह से. बट जो बाकी जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं उनको तो सफर करना पड़ता है. और ये प्री शूट क्या होता है, मॉक शूट टाइप का कुछ होता है? मॉक शूट प्री शूट मतलब टेलीकास्ट डेट से पहले जो प्री शूट होता है, 2 महीने पहले 3 महीने पहले बंच बनाते हैं एपिसोड्स के. वो जो आपने प्री शूट किया है, जैसे मान लीजिए सपोज आपने 1 अप्रैल या 1 मई को मान लो आपने प्री शूट किया है, तो उसकी जो पेमेंट है आपको कब मिलेगी? पेमेंट तो टेलीकास्ट के 90 डेज के बाद. दिस इज वर्स्ट, सच में ये बहुत गंदी चीज है. हमको टेलीकास्ट के 90 डेज के बाद मिलता है, तो सोचो जो शो या सीरीज जो अभी तक रिलीज ही नहीं हुई है उसके लिए हम पहले से जो शूट करें उसमें कितना प्रॉब्लम होता है. तो जैसे मान लो आपने 1 मई को शूट किया तो आपको 90 दिन के बाद पेमेंट नहीं मिलेगी, ब्रॉडकास्ट होने के 90 डेज के बाद. यस, तो अगर मान लो आपने 1 मई को शूट किया है, मई जून जुलाई अगस्त तक आपका ब्रॉडकास्ट नहीं होता, आपको कोई पैसे नहीं, पैसे नहीं मिलते. अगर अगस्त में ब्रॉडकास्ट होता है तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तब आपका एक कैश फ्लो, मतलब जो भी आपका अमाउंट आना शुरू होगा वो शुरू होता है. दैट्स रियली टफ being an artist and suffer like this. And you have to look good, you yes. have to look presentable, आपको yes. costumes carry करना, सब कुछ सब कुछ सब कुछ. और कोई नहीं पूछता है कि कैसे survive कर रहे हो. जो दिखता है वो होता नहीं. Trust me, it's very hard working into industry. बहुत tough है. और रहना survive करना बहुत ज़्यादा tough है. और मुझे एक बात बताइए, generally एक TV artist को per day कितने घंटे काम करना पड़ता है? Minimum तो 12 घंटे करने होते हैं, but आजकल मुझे लगता है जो एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स होते हैं या आर्टिस्ट होते हैं उनको टाइम से बुला के टाइम से छोड़ देते हैं, और जो सीन में थोड़े ओल्ड एज होते हैं उनको भी जल्दी फ्री कर देते हैं. बट मिनिमम ड्यूरेशन 12 घंटे का होता ही है. मतलब 12 घंटे काम करना, काम करना ही. कभी है, कभी आप सीन नहीं लगाए तो आप 12 घंटे से पहले पूछ नहीं सकते कि हम घर जाए कि नहीं जाए. तो आप मुझे बताओ, जैसा मैं जानती हूँ आप लोखंडवाला में रहते हैं, राइट? और अगर आपका सेट रामदेव स्टूडियो है, नायगांव है, तो आपको कितने बजे निकलना पड़ेगा, कब पहुंचेंगे? मैं मनसुंदर कर रही थी और मुझे शो छोड़ना पड़ा था, और इसके वजह से मेरे यूट्यूब पे काफी वीडियोस आए हैं, मुझे लोगों ने काफी कुछ बोला हुआ है. तो उसका रीजन ये था, मुझे लोग पूछ रहे थे आपने मनसुंदर सेट शो क्यों छोड़ दिया. मनसुंदर जो सेट था वो मेरा था नायगांव से ऑलमोस्ट अंदर 20-25 मिनट और अंदर, तो भिवंडी के तरफ. तो मुझे घर से निकलना पड़ता था 8:30 की शिफ्ट में 7 बजे तक, ठीक है? तो 6-6:30 बजे उठती थी. बट घोड़बंदर रोड पूरा ब्लॉक होता था तो हमेशा लेट होता था आने में, तो ये एक चीज है. और नायगांव का शूट इसलिए मैं लेती नहीं हूँ अभी फिलहाल काफी दिनों से. तो ऑलमोस्ट 8:30 की शिफ्ट में आप 2 घंटा पहले पकड़ लो, जबकि हम गाड़ी से जाते हो. तो अगर आपकी 8:30 की शिफ्ट है तो आपको घर से निकलना 6:30 बजे, मतलब 7:45 तक निकलने पड़ेगा. तो चलो 7 पकड़ लेते हैं. तो 7 बजे निकलने के लिए आप कितने बजे उठेंगे सोकर? ऑफकोर्स 1 घंटा पहले 6 बजे. हाँ, तो आप 6 बजे उठी है, आप 7 बजे घर से निकली, आप 8:30 बजे वहाँ पहुंचे और आपने 9 से 9 शूट किया. 9 से 9 नहीं, 9:30 तक पैकअप होता था, 9:30 तक. चलो 10 बजे पैकअप हो रहा है, तो सामान निकालते करते घंटे तो हो ही जाते, 1 बजे तक घर पे आते. और फिर 1 बजे आने के बाद अगेन आपको 6 बजे उठना है, और इसके बाद थक जाते हो अलग.
और जो पेमेंट आ रही है वो 90 डेज के बाद है, और जो पेमेंट आ रही है उसमें कोऑर्डिनेटर और या टीडीएस का क्या करना होता होगा? होता है अपना 10% टीडीएस करता ही है, ओके, और कोऑर्डिनेशन भी होता है, मिनिमम दे चार्ज 20% 25% डिपेंड्स, मिनिमम 20% होता है, 10% भी होता है कभी कभी आप कन्विंस कर लो तो। अगर आप महीने का मान लो सपोज आप 3 लाख रुपए का मान लेते हैं तो 60,000 तो कोऑर्डिनेटर 10% यानी कि 30,000 वो ले गया, हाँ, तो 90,000 तो आपके ऐसे चले गए। और फिर जो उसके बाद जो पेमेंट है उसके बाद जब आपने सीए के थ्रू टैक्स भरा, यहाँ टैक्स भरा वहाँ टैक्स भरा, तो आपकी तो आधी सैलरी खत्म हो जाती है। उसके बाद फ्यूल लगता है महीने का 25,000 का, तो फ्यूल लग जाता रहेगा जाने में। फिर आपके मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं जो इतने महंगे आते हैं, फिर आपके खुद के आपके फूड होते हैं, आपका जिम होता है, रेंट होता है, इतनी सारी चीजें होती है, कुछ नहीं बचता। इट्स टफ टू सरवाइव बीइंग एन आर्टिस्ट। एंड लोगों को लगता है कि टीवी सीरियल वाले बड़ा कमा रहे होंगे, बड़ा कमा रहे होंगे। तो मुझे एक बात बताओ ज्योति, आपके हिसाब से आप जितने भी आर्टिस्टों को जानती हैं जो टॉप के टीवी आर्टिस्ट रही हैं, उनमें से आप टॉप 5 आर्टिस्टों के नाम मुझे बताएं जो शायद आपके फेवरेट होंगे या मार्केट में ट्रेंड होंगे, क्या पेमेंट होगी अप्रोक्सीमेटली? तो ये टॉपिक हम अगले एपिसोड में बात करें। हाँ, श्योर श्योर, बाय बाय।